पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाती है, जिसके बाद यही लोग कार्रवाई करने पर विवाद पर उतर आते हैं। ऐसे विवादों को रोकने के लिए रविवार को गृह मंत्री अनिल देशमुख के हाथों ट्रैफिक पुलिस को 200 बॉडी वॉर्न कैमरे प्रदान किए गए। इस दौरान यातायात पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्रेजेंटेशन के जरिए दी गई। अब तक हुई चालान कार्रवाई का ब्यौरा सामने रखा गया, साथ ही 16 करोड़ रुपए का जुर्माना बकाया होने की भी जानकारी दी गई। गृह मंत्री देशमुख ने कहा कि नागरिकों और पुलिस के बीच समन्वय रखने के लिए ये कैमरे उपयोगी साबित होंगे। कोई भी बेवजह पुलिस से विवाद नहीं कर पाएगा। जहां तक बड़े पैमाने पर चालान पेंडिंग होने की बात है, तो यह काम निजी एजेंसी से भी करवाया जा सकता है। पुलिस विभाग कर पहले ही बहुत जिम्मेदारी है। VIP बंदोबस्त से लेकर यातायात व्यवस्था को संभालना पड़ता है। ऐसे में चालान वसूली का भार भी उन्हीं पर है। यदि शहर पुलिस चाहे तो चालान वसूली के लिए निजी एजेंसी की मदद ले सकती है। यह एजेंसी नागरिकों तक जाएगी और चालान वसूल करेगी। ऐसा प्रयोग मुंबई में शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार सहित शहर के सभी आला अधिकारी उपस्थित थे। असं आहे की आज नागपूर शहरामध्ये जवळजवळ 200 बॉडी ऑन कॅमेराज हे राज्य शासनातर्फे आम्ही पोलिसांना दिलेले आहे, आणि या बॉडी ऑन कॅमेराच्या माध्यमातून चांगल्या पद्धतीनं नागपूर शहरामध्ये पोलिसिंगसाठी त्याचा फायदा होणार आहे। अनेक ठिकाणी आपण पाहतो सिग्नलला त्यांनी सिग्नल तोडल्यानंतर जेव्हा पोलीस हवालदार तिथे जातून त्यांना सांगतो की तुम्ही सिग्नल तोडला पैसे भरा, तेव्हा पुष्कळदा वाद होतात, धुंदत होते। याचं सर्व रेकॉर्डिंग त्या ठिकाणी होणार आहे, किंवा अनेकदा पोलिसांवर सुद्धा त्यानिमित्तानं हात उचलण्याचं काम त्यानिमित्तानं काही ठिकाणी होतं, त्यांच्यावर सुद्धा याचा चांगल्या पद्धतीने फायदा होईल आणि रेकॉर्डेड होईल, आणि त्यांच्यावर दोपरी अशी कारवाई करेल काम करेल त्याच्यावर कडक कारवाई करण्याचं सुद्धा काम त्यानंतर होईल। ओव्हरऑल चांगला पोलिसिंगसाठी याचा फायदा नागपूर शहरामध्ये होणार आहे। याच पद्धतीनं महाराष्ट्राच्या बाकी शहरामध्ये सुद्धा आम्ही याच पद्धतीनं बॉडी ऑन कॅमेरा देऊन चांगलं पोलिसिंग प्रत्येक शहरामध्ये महाराष्ट्रामध्ये झालं पाहिजे, त्या दृष्टीनं याची सुरुवात आम्ही केलेली आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।